बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला खुश रखे, हर दुख तकलीफ से निजात दे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग का आगाज करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जिन मैंने फैमिली व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक मेरे तक पहुँच सके। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा जबरदस्त बनने वाला है, क्योंकि आज मैं और मम्मा कुछ स्पेशल बनाने लगे हैं। तो आपने पूरी हमारी वीडियो वॉच करनी है, एंड तक देनी है कि हम क्या बनाने लगे हैं। आज बनाने में पहली बार लगी हूँ मम्मा के साथ, फिर शेयर भी करेंगे। कोई बात नहीं, पहली बार तो बनाने लगे तो कोई बात नहीं, आपका शौक है। मम्मा ने तो नहीं आपको कहा? हाँ, कैसे बात तो है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हम किचन की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं किचन में क्या पकाएंगे। पहले तो मम्मा अंडा बनाने लगी है, तो अब जैन उनका कहते हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले हमें आप उस खाने के लिए दे दें, बाद में अपना काम करते रहना, क्योंकि मम्मा उनके लिए अंडा बना रही है, तो पहले उन्हें खाना देंगे फिर बाद में देखेंगे। आपको शौक है बहुत ज्यादा? आपको बहुत ज्यादा शौक नहीं ना अंडा वाले के? अंडा बना रही, बहुत शौक है चीजें बनाने का। मैंने कहा चलो जी बनाए आप, और अंडा बना रही सबके सबसे पहले, बाद में हम खाना तैयार करेंगे। लो जी नंबर ले लिया जी मैंने, चलो बनाओ। अंडा इस तरह सारे तो नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करके, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह बनाना, इस तरह, ठीक है। ज़रा खाओगे दिल कर लिया के अंडे ना रोटी खाना, पराठा खाना। मैं कहा चलो जी अंडा बना देने। माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने बहुत प्यारा अंडा बनाया, माशाल्लाह शाबाश, इसने बनाया। खैर अभी ऐसे इसको पकड़ने, माशाल्लाह जी आज मेरी बेटी ने अंडा बनाया, मैं सिर्फ अपनी बेटी की हेल्प करवाई है, उन्होंने अंडा बनाया। उन्हें सालन बनावे, सालन में मैं अपनी बेटी की हेल्प करवावगी, लेकिन दसागी किस तरह बनाना, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का। आगे चला देने निधा फातिमा, अग मैं जलाती है निधा फातिमा, ये जी आयल पान लगी है। किन्नी दे पानी आई दी आयल दी? नहीं दो, दो, दो पालो। हाँ जी आता ही खाना है, मैं खाऊंगी, मैं नाल ही खाऊंगी, लेकिन दो पालो ना। फिर असी जी बना रहे हैं, मैं दिखाने अपने बहन बहन के क्या चीज़ बना रहे हैं। आज निधा फातिमा पहली मरतबा बना रही है चिकन और दाल। दाल असी भगो के रखी है, चिकन और दाल बना रही है, जिदे च उन्होंने हांडे च घे पा आयल पाता वा। ये दाल, ये गोश्त और प्याज भी काट लिए, मिर्चा टमाटर, टमाटर तो जब काटेंगे, जब जैसे मम्मा काटती है नया चीजे डालने के बाद, जब मैं प्याज डालती तब टमाटर काटती है, तो फिर मैं भी जब प्याज डालूंगी तब टमाटर काटूंगी। सही है। क्या निधा फातिमा पहली मरतबा बना रही है सालन, और कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। गरम हो चुका है, थोड़ा जिन्ना चिकन पिया सी और दाल सी घर, मैं दाल ही बनाने लगी हूँ। निधा फातिमा कहती मम्मा मैं बनानी है, मैं चल तू बना ला, हूँ मैं इन्होंने लसन वगैरह पीस देव, लाल थोड़ी होकर इन्होंने हेल्प करा, ताकि इन्होंने इन्ना तजर्बा नहीं है बनाने का। पहले मतलब बना रहे हैं जिन्हें दिन ब्राउन हो गए, प्याज ब्राउन हो रहे हैं और धनिया मैं कट रही हूँ, सब्ज़ मिर्चा भी कर देंगे, धनिया भी कर देंगे, प्याज लहसुन ऐड करने लगे, और टमाटर काट लिया। काम करना तो जरूरी है ना, गर्मियों या सर्दी में। मैं तुम्हें टमाटर और मिर्ची ऐड करने लगी, हम सारी आ रही थी तो मम्मा उनके पास चली गई है, आंटी आई थी जो खाने वाली, मम्मा उनके पास चली गई बातें करने के लिए, मेरे पास जाए खुश्क धनिया
और हल्दी और रेड मिर्च और नमक इन्हें ऐड कर देते हैं और थोड़ा जिन्हें गर्म मसाला भी ऐड कर दी हैं। फिर इधर बाद में इन्होंने पूछती है मेरे आगे जरा मेहमान तो मैं जरा जा रही हूँ मेहमाना तैन करना गोश्त बहुत मेहमान आए थे जैन दे पापा दे जरा सी भी दोस्त सी नाल मेरे साथ मेरी हमसाई सी उन्होंने कोई काम से कोई उन्होंने टेस्ट वगैरह कराने से पता करना आए थे तो फिर उन्होंने पानी वगैरह पिलाने लग गई। मैं क्या क्यों अच्छा नहीं लगता साढ़े घर आए हैं चंगी तरह भून लिया इन्होंने भून च पानी ऐड कर देंगे पानी लगा दो फिर ये पकता रहे असं जाके बहने पंखे के नीचे क्यों इतने लगती भी बहुत ज्यादा गर्मी अच मेरी बेटी ने जो साधन बनाया वा मजा आ गया मैंने तो देख के मजा आया तो मैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय की हूँ मैं खाने लगी हाँ जी रोटी दोपहर की को मैं पहले साधन बना लग गई थी मेरे पापा ने आ जाना उन्होंने खाने का टाइम हो जाना साधन वगैरह नहीं सी तो मैं अपने वास्ते मतलब के रोटी तैयार की मैं अपना खाना दोपहर का तो मैं खाना खा लगी निधा फातिमा ने साधन बनाया अच्छ बहुत खुशी वाली गल है तो उन्होंने बहुत ज्यादा शौक से कहीं मम्मा मैं खुद बनावगी तो साधन बिल्कुल तैयार हो गया मैं हम चेक कर ली मैं पहले चले गई थी नमाज पढ़ी कुरान पाक पढ़िया यासीन सूरत वगैरह पढ़ी पढ़ के हूँ मैं आख्या मैं चल एक मतलब सैल साधन देख लाव सालन देखते हैं कि कितों तक पहुंचे खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और बनिया भी बहुत जबरदस्त मम्मा वो तो मुझे भी आने लगी है बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और मैं भी जितना नहीं ऐड कर दूंगा नहीं सबसे पहले गर्म मसाला गर्म मसाला तो वही ऐड कर दी है तो जी ना दाल दाल का अपना ही मजा वा गर्म मसाला जो अपना ही मजा वा ये थोड़ा जिना गर्म मसाला वगैरह ऐड कर दो ना बहुत मजेदार सालन बनता है। चलो गर्म मसाला मैं ऐड कर दिता ये और वाकई ही बहुत ज्यादा खुशबू आ रही अच्छी अज थोड़ा जिना चिकन पिया से फ्रिज के उस दिन मेहमान आए थे थोड़ा जिना मैं निकाल के रख लिया तो मैं क्या चलो मैं ना अज दाल कुछ चीज़ नहीं सी बनाने वास्ते मैं चलो मैं दाल गोश्त बना लेनी बच्चे भी कह रहे थे मम्मा चलो दाल गोश्त ही बना लो मैं ये चूल्हा मैं नीचे बंद कर रही हूँ क्यों ये हांडी इसी तरह की आ कि ये बहुत ज़्यादा सेक लगे काफ़ी देर तक इसी तरह बन पकती रहेगी मैं थोड़ा जिन्ना सालन टेस्ट कर ला कि कोई कमी पेशी तो नहीं ये कोई नमक वगैरह ना कम हो सालन बहुत प्यारा बन गया दाल और चिकन सी थोड़ा जिना ये मैं क्या चलो आज ये बना लेने हैं चिकन ज़्यादा तो नहीं सीगा बस कम ही सीगा लेकिन फिर भी शुक्र है सर थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता होर की है चलो जुलकर नैन भी मेरे को आ गया तो मामा पता नहीं क्या खा रही है और इतना मजेदार सालन बन गया मैं तुम्हें की दसा जी बनया बहुत मजेदार बनया आज मेरी बेटी ने पहली मरतबा सालन बनाया और वाकई ही बहुत अच्छा बनया आज वैसे निधा फातिमा ने जिस तरह सालन बनाया आज निधा फातिमा का इनाम होना चाहिए लेकिन वाकई ही बहुत मजेदार सालन बनया लेकिन मैं चाहवागी इजाजत मिलेंगी अपनी भैन भी नैक्सट वीडियो में एवेली वीडियो का करते इतने एंड तो साड़ी वीडियो मेरे भैन भाई अच्छी लगी पसंद आवे लाइक करो शेयर करो कमेंट में सानू जरूर दस्यो रब सोने के हवाले अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।